सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एज ए डिजिटल। आप हमें फेसबुक पर भी एज ए डिजिटल से फॉलो कर सकते हैं। सोनभद्र के चुर्क नगर पंचायत का क्षेत्र है, ये वार्ड नंबर 5 है। यहाँ पे कुछ महिलाएं आपको दिख रही होंगी जो अपने डब्बे में पानी भरी हुई हैं और सारी व्यवस्था है, बिजली है, पाइप है, लेकिन पानी नहीं है। अब यहाँ की महिलाएं हैं, ये डब्बा में पानी जो है इनके भरा हुआ है, तो ज़रा जानते हैं कि जब पानी वहाँ नहीं आ रहा है तो पानी ये कहाँ से आ रहा है, बताइएगा। का ये कब से इस तरह से पड़ा हुआ है, इसमें पानी कब से नहीं आ रहा है? एक महीना से नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आइए। एक महीना से पानी की कोई उसमें जो है नहीं, एक महीना से ना साहेब यहाँ पानी। अच्छा, पानी तब आप लोग इस गांव में कहाँ से आता है, ये पानी डब्बा कहाँ से भर के ला रहे हैं? ये से टैंकर पानी आए साहेब लोग। टैंकर से कब से आ रहा है पानी? अब वहाँ आल है, वह टैंकर गया। अच्छा, टैंकर कितने बार आता है? बस ये पहली बार। बस एक बार, मतलब पूरे दिन में बस एक बार आएगा पानी? एक बार ही है। एक बार दिन में एक बार आता है? अच्छा, आज पहली बार टैंकर आया। एक महीने से कैसे पानी का पूरा कर रहे थे? सिलथरी गांव से पानी। सिलथरी इसके आगे, मतलब वहां पे क्या है पानी का? 5 है, हम लोग वहां सिलथरी गांव से पानी लिया होते हैं। वहां क्या है पानी का व्यवस्था, क्या है कैसे पानी का? अच्छा, निगम खुल जला था, निगम से लिया ले जाए है पानी को। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं बा। अच्छा, चापाकल है वहाँ पे, तो चापाकल से? हाँ चापाकल। तो कितना दूरी होगा यहाँ से? वो साहब मजे का दूर भाई, अब हम पढ़ा लिखा भाई जाना। अच्छा, गांव में चापाकल नहीं है? एक थे हाँ, वो तरफ पानी तो बिगड़ा रहा था, बनल था तनी में। कितने दिन हो गया था बिगड़े हुए? बिगड़ल बस साहेब अभी एक महीना से, तो मान ला परसों चौथा दिन बनल। पानी उसमें आ रहा है तो वहाँ? अच्छा, पानी का लेवल नहीं है? पानी का लेवल नहीं है। ये टैंकर एक बार आता है? हाँ, आज वाला खाली एक महीना में। अच्छा, पता नहीं लाइन कहाँ से बिगड़ा, पानी में नहीं आ रहा। अब लाइन कब से नहीं आ रहा है? एक महीने से लाइन एक महीने से नहीं है। तो ये आप देखिए कि ये व्यवस्था है चुर्क नगर पंचायत का, ये वार्ड नंबर 5 का एरिया है। एक महीने से ये खंभे में लाइट नहीं है। पानी के लिए व्यवस्था तो लगी है, लेकिन जब लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? और 3-4 महीने में नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव भी है और तमाम उम्मीदवार और प्रत्याशी मैदान में आएंगे, पार्टी के तमाम उम्मीदवार भी सामने होंगे और वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपसे कि हम विकास का कार्य करेंगे। और ये विकास आप देख रहे हैं, आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ के गांव की आबादी करीब 500 के ऊपर ही आबादी है, घर जो दिख रहा है ज़्यादा ही है। 500 के ऊपर की आबादी में कहने का मतलब यह है कि एक ही चापाकल है, वो भी छोड़ देता है। और बिजली की व्यवस्था यह है कि एक महीने से इसमें लाइन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो गांव है, पानी की ये समस्या है कि पूरी गर्मी बीत गई और पानी का एक टैंकर नहीं पहुंचा। बिजली की ये व्यवस्था थी कि बिजली एक महीने से नहीं आ रही है और अब 3-4 महीने का समय बचा है, चुनाव नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव होना है, तो टैंकर दौड़ने लगे हैं। चुनाव है तो जनता किसी एक उम्मीदवार को तो चुनेगी ही, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि ये दरिद्रता कब तक चलेगी। कि तो नगर पंचायत अपने तरफ से हर एक व्यवस्था किया हुआ है, पानी के लिए टंकी लगवा दिया है, बिजली तो बना नहीं सकता, लेकिन कम से कम अगर आप टैंकर से जो आज पानी दे रहे हैं, पूरी गर्मी बीत गई, क्या आप पहले पानी नहीं दे सकते थे? दूसरा सवाल, मैं जिस नहर पर खड़ा हूँ, ये सोन कैनाल की नहर है और इसका दौरा माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं योगी जी के सरकार में जल संसाधन मंत्री भी हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने इस नहर का दौरा किया था और आवश्यक निर्देश दिया था के अधिकारी हैं कि इसकी जो भी मरम्मत कार्य बची हुई है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और ये पानी नहर का कार्य कंप्लीट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन नहर सूखी हुई है, नहर में भी पानी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये नहर में जहाँ से पानी आता है वहाँ पानी की कमी है, वहाँ पानी इतना भरपूर मात्रा में है कि कुछ दिन पहले हादसा हुआ, बच्चे पिकनिक मनाने गए और डूब गए। तो ऐसा नहीं है कि झील में पानी नहीं है, जहाँ से पानी उठता है वहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है इस नहर में। अब ये क्यों नहीं चल रहा है, ये शासन का विषय है कि शासन क्यों नहीं इसे चला रही है। और जो हमारे पीछे गांव है वहाँ की स्थिति भी आप देख लिए हैं कि पूरी गर्मी बीत गई,
पानी का एक टैंकर नहीं आया, जैसा यहाँ के जो गांव की महिलाएं थी वो बता रही थी कि पूरी गर्मी बीत गई और पानी का एक टैंकर भी नहीं आया। और अब चुनाव चूँकि नज़दीक आ रहा है तो टैंकर भी आना शुरू हो गया है, लेकिन वो भी दिन में एक बार टैंकर पानी दे रहा है और एक बार पानी से कितना लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ये एक सोचने का विषय है। जनता तो उम्मीदवार चुनेगी ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये दरिद्रता कब तक चलती रहेगी, उसके लिए जनता को ही आगे आना होगा। और इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी सरकार को आप मैसेज देना चाहते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमें बताएं। मैं मोहम्मद शाह फैसल, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल एज ए डिजिटल। आप हमें फेसबुक एज ए डिजिटल से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।